नमस्कार उत्तम जी, NBC 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपको भी NBC 24 को कि जो आज हमें बोलने का मौका दिए हैं, इसके लिए आपको हृदय तल से आभार। उत्तम जी, पहला सवाल रहेगा आपसे। आज मीटिंग हुआ है सातवें चरण को लेकर, इसका क्या अपडेट है उत्तम जी? देखिए, अभी तक हम लोगों को ये पता चला है कि आज सातवें चरण के रिगार्डिंग सचिवालय पटना में आज मीटिंग हुई है। वो आज मीटिंग जो 11:30 बजे दिन से ही होने वाली थी, वो मीटिंग शाम 4 बजे से शुरू हुई है। तो अभी फिलहाल 6:30 बज रहा है सर, तो अभी तक कुछ खास हम लोगों को पता नहीं चल पाया है कि आज की मीटिंग के रिगार्डिंग पूरे आला अधिकारियों के या शिक्षा विभाग के जितने भी अपर अधिकारी हैं उनका बैठक आज सचिवालय पटना में लिया गया है। मगर कोई अभी तक सर ऑथेंटिक नज़र हम लोग को, मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं नज़र आया है, इसलिए हम अभी कुछ भी कहने में मतलब कह नहीं सकते कंफर्म कि क्या आज की मीटिंग में हुई है। मगर आज की मीटिंग थी वो सातवीं चरण की ही रिगार्डिंग मीटिंग ली गई है, और हम कुछ देर बाद ये चीज पे मतलब सुनिश्चित कर पाएंगे कि किस तरह का आज मीटिंग सातवीं चरण के प्रति लिया गया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, उसमें अपर मुख्य सचिव के मतलब साधिन में मीटिंग आज हुआ है, दीपक सर ही आज मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हैं। जी, दूसरा सवाल रहेगा, अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, क्या लगता है उत्तम जी? बिल्कुल सर, ये कल भी हम लोगों को वहाँ से पता चला है सचिवालय से कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सातवीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति मतलब किसी भी कीमत पर वहाँ से दी जाएगी, और उसके रिगार्डिंग ही कार्यवाही वहाँ से चल पा रहा है शिक्षा विभाग से। इसलिए हम लोग तो आश्वस्त हैं कि बिल्कुल कि सातवीं चरण की जो प्राथमिक विज्ञप्ति है अगस्त के प्रथम सप्ताह तक किसी भी कीमत पे आनी चाहिए। कारण कि पूरे जिले से जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऑलरेडी रिक्ति मांग ली गई है, और रिक्ति मांगने के बाद वहाँ पर मतलब अब विज्ञप्ति देने की ही बात हो पा रही है, और किस तरह से शेड्यूल जारी करना है इसी के रिगार्डिंग आज मीटिंग रखा गया है। तो बिल्कुल सर, हम आश्वस्त हैं और हम लोग भी ये आशा बनाए हुए हैं कि सातवीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति अगस्त के प्रथम सप्ताह तक किसी भी कीमत से आएगी। आप लोगों की सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया किस तरह होगी उत्तम जी? हम लोगों की सातवीं चरण की जो प्रक्रियाएं हैं सर, वो ऑलरेडी हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सर के द्वारा, वो प्राप्त है सर। वो प्रक्रियाएं हम लोग को ऑनलाइन होगी और विथ सेंट्रलाइज्ड होगी, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं कि हम लोग की जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन डेमोसाइल एंड सेंट्रलाइज्ड, ये तीनों प्रक्रियाएं होगी। और इसके लिए दीपक सर ने हम लोगों के साथ वादा की है कि हम लोग को जो सातवीं चरण प्रक्रियाएं होगी वो मतलब बार बार घूम घूम के नियोजन इकाई में जाना नहीं पड़ेगा। वो आप लोग एक जगह अपने घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, या तो फिर किसी भी इंटरनेट इकाई से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, और उसके बाद आपकी प्रक्रियाएं ले ली जाएगी। सिर्फ आपको काउंसलिंग के लिए नियोजन इकाई में जाना होगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं सर कि आज जो सातवीं चरण की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन और केंद्रीयकृत होगी। आप लोगों को बहाली प्रक्रिया करने की, यानी कि बहाली करने की अंतिम तिथि कब तक का दिया हुआ है? हम लोग की जो सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को जो तिथि है सर, ऑलरेडी हम लोगों ने जो पिछली बार आंदोलन किया था तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो ये तिथि जो निर्धारित किया गया है वो ऑलरेडी ये तिथि हम लोगों को जुलाई अंतिम सप्ताह तक दिया गया है, और उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी NIC के वेब पोर्टल पर जारी भी कर दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग को शेड्यूल जारी करने का वादा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सर ने किया है, और हम लोग पूर्व बिहार के जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूर्ण रूपेण आशान्वित है कि हम लोगों को किसी भी कीमत पे सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम शिक्षा विभाग से भी ये विश्वास करते हैं कि वो अपनी वादा को पूर्णता निभाएंगे, कारण कि पूरे लाखों अभ्यर्थी इस चीज पे आशान्वित हैं सर। इसलिए तो हम पूरे शिक्षा विभाग से भी आशान्वित हैं, और हम लोगों को सर यही बोला गया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को सातवीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दे दी जाएगी। अंतिम सवाल रहेगा, अगर उससे लेट हुआ तो क्या करेंगे आप? सर ऐसे शिक्षा विभाग तो पूर्णतः जानी जाती है लेट लतीफी के मामले में, मगर तभी हम लोगों ने, आम अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी और शिक्षा मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री पे हम लोगों ने विश्वास जताया है, और लाखों अभ्यर्थियों ने विश्वास जताया है। कारण वो 3 सालों से प्रतीक्षा रहते हैं सर, और बार बार समय पे समय तारीख पे तारीख दिया गया, मगर आज तक और अभी तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं आई है। और बार बार इस बार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया था, और उसमें बोला गया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे दी जाएगी, मगर अभी तक हम लोगों को मतलब शेड्यूल का डेट नहीं मिला है सर। अगर इस तरह से अगर लेट लतीफी हुई तो सर पुनः हम लोग एक भगवान न करे कि ऐसा दिन करना पड़े, कारण हम लोग भी नहीं चाहते सर कि ऐसा दिन आए, मगर अगर शिक्षा विभाग अगर लेट करेगी तो पुनः हम लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर होंगे पटना के गर्दनी बाग में, जो आपको आगामी अगस्त के प्रथम वीक से देखने को मिल जाएगा। मगर हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए कि
अगर जुलाई या अगस्त के प्रथम वीक के पहले अगर वो अपनी शिक्षा विभाग अगर वादे पर कायम रहती है तो हम लोग किसी तरह का कोई आंदोलन करने के मूड में नहीं है, मगर अगर शिक्षा विभाग अपनी वादों से फिसलोगी तो हम लोग भी मतलब ये चीज है कि अब की बार अगर गर्दनी बाग आएंगे तो शेड्यूल या नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे। अंतिम में जाने से पहले अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? हम पूरे अभ्यर्थियों को ये कहना चाहते हैं कि सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए जिस तरह से जिलावार रिक्ति मांगी गई है उस तरह से पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप लोग अपने जिला से ससमय रिक्ति भिजवाने का कार्य करें, जिससे पूरे सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति ससमय आ सके और इसके लिए किसी तरह न शिक्षा विभाग को लेट लतीफी हो सके और न हम अभ्यर्थियों को लेट लतीफी हो सके। इसलिए हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं कि सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अपने अपने जिला से अपने जो ससमय रिक्ति जो भिजवाने का कार्य चल रहा है वो भिजवाने का कार्य करें, जिससे सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति ससमय आ सके। इसके लिए हम पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये मतलब अपने बातों से आह्वान करना चाहते हैं। तो आपने सुना ये सीटेट के अभ्यर्थी हैं, उत्तम उत्तम का साफ कहना है कि आश्वासन मिला है और आश्वासन पे हमें भरोसा है, क्योंकि देखा जाए तो जो काम है वो लगातार हो रहा है और आज मीटिंग हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें हैं तमाम बातें नहीं निकल के आई, लेकिन फिलहाल जो भी बातें निकल के आएगी हम बताएंगे आपको। वही तमाम अभ्यर्थियों से कुंदन रिक्वेस्ट किया है कि तमाम अभ्यर्थी जिला वाइज कोटिवार जिस तरीके से डीओ ऑफिस में जा रहे हैं तमाम चीजों की बात कर रहे हैं वो जाके करे, और उत्तम का साफ कहना अगर बहाली नहीं होती है तो आगे चल के बहुत कुछ होगा, क्योंकि देखा जाए तो काफी परेशान है। अगर बहाली हो जाती है तो काफी अभ्यर्थी खुश रहेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल उत्तम का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।